हेलो फ्रेंड्स, जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें अपने वीडियो के अंदर आप अंदर से एक लेयर के अंदर मीडिया किस तरह चलाएंगे उसके लिए मैं आपको आज बता रहा हूं। तो सबसे पहले मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी गैलरी खुल चुकी है। यहां से आप अपना पर्टिकुलर फोटो भी ले सकते हैं या कोई लोगो भी ले सकते हैं या और जो कुछ आप यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे या वीडियो सेलेक्ट करेंगे वो आज मैं दोनों करके बताऊंगा आपको। एक फ़ोटो भी सेलेक्ट करके बताऊंगा आप उसको लेयर में मीडिया किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो यहां से एक फ़ोटो मैं सेलेक्ट करूंगा और उसे मैं अपने जो वीडियो चल रहा है उसमें किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा लोगो सेलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो आप अपना फ़ोटो भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं या आपने कोई डिज़ाइन बनाई हो तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो सेलेक्ट करके लगाऊंगा। तो ये मेरा लोगो आ चुका है। इसको मैं अपने इस वीडियो में लेयर में मीडिया के द्वारा किस तरह से लगाते हैं उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो ये फ़ोटो सेलेक्ट किया है, तो ये देखिए आप इसको अगर छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। फुल स्क्रीन लगाना चाहें तो इससे फुल स्क्रीन भी लग सकता है। तो आप यहाँ से पॉइंटर पर क्लिक करके जितना इसको ऊंचा नीचा करेंगे दाएं बाएं ले जाएंगे वो उस तरह से सेट हो जाएगा। आप चाहें नीचे लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऊपर की तरफ लगा सकते हैं, आप चाहें फ़ोटो पर लगाएं लाइट राइट लेफ्ट जहाँ भी आप सेट करना चाहें इसे सेट कर सकते हैं। मैं जैसे इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो अब चाहें तो इसमें आधा सेट कर सकते हैं, फुल सेट कर सकते हैं। मैं अभी इसे राउंड में सेट करूँगा या आप चाहें जैसी शेप इसे दे सकते हैं। तो मैं इसे ये राउंड शेप ही देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा सेट हो चुका है। अब इसी वीडियो में मैं आपको अपने चलते वीडियो में एक और वीडियो किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए हमें फिर से लेयर में जाकर मीडिया में जाकर हमें जो वीडियो इसमें ऐड करना है उस पर क्लिक करना होगा। वहाँ क्लिक करने पर हमें जो हमारे वीडियो का फोल्डर है वहाँ से वीडियो लाकर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक वार्निंग मिली है कि आप इसमें वीडियो में वीडियो ऐड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो अब इसको किस तरह से आप फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे इसको रख लेंगे, और अगर आप एक साइड पे चलाना चाहते हैं तो वो साइड में भी सेट हो जाएगा, या सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर पर आप रख सकते हैं। इस डॉट पर इस एरो पर आप क्लिक करके उसको ऊपर नीचे स्क्रीन को कर सकते हैं। मैं जैसे साइड में इसको सेट कर रहा हूं तो एक वीडियो नीचे चलेगा और एक वीडियो ऊपर चलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं दो वीडियो इसमें शामिल हो चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। तो आप इस तरह से अपने भी वीडियो लेयर के द्वारा अपने मीडिया में ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेट करके उसको सेट कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जितनी भी लेंथ रखना चाहें उसके हिसाब से इसको क्लिक करके काट कर इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको काट कर सेट किया है, इस तरह आप भी अपने वीडियो को सेट कर सकते हो। इसकी वॉइस को कम करके, दोनों वॉइस मिक्स नहीं हो, इस तरह से आप भी अपने वीडियो में कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है लेयर के द्वारा मीडिया को ऐड करना अपने वीडियो के अंदर। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।